हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था होमोजेनियस फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेपरेबल कर्नल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम भी दी थी और आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए थे कि होमोजेनियस फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन को अगर कर्नल सेपरेबल दिया हो तो कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने होमोजेनियस किया था और इस लेक्चर में हम करेंगे नॉन होमोजेनियस फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन। अगर हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है, ओके, और सेकंड काइंड की है। अब देखो बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली टेक्निक्स वही है, स्टेप्स वही है जो होमोजेनियस फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन में होते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा आइगन फंक्शन निकालते वक्त, ओके, और फाइनल सोल्यूशन निकालते वक्त। तो हम मैंने ये क्वेश्चन लिया है, y ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस लैम्डा लिमिट फ्रॉम 0 to 1 x xi स्क्वायर माइनस x स्क्वायर xi। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, कर्नल ले लिया। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास कर्नल दिया हुआ है, ये हमारे पास सेपरेबल कर्नल है, बिकॉज ये हमें क्या दिया हुआ है, k ऑफ x xi इज इक्वल टू, इसको मैं a1x इंटू b1xi प्लस a2x इंटू b2xi, ओके। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा, तो ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है xi स्क्वेयर प्लस ये हमारे पास है माइनस x स्क्वेयर और ये हमारे पास क्या है, xi है, ओके। तो इट मीन्स दैट द गिवन कर्नल इज अ सेपरेबल कर्नल। ठीक है, हमारे पास जो गिवन कर्नल है वो क्या है, सेपरेबल कर्नल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए वही टेक्निक है, इसको हम, इस इक्वेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे और हमारे पास जो x वाली टर्म है उसको बाहर लेके चलेंगे। अब देखो बच्चों, इसमें हमारे पास a2x आ रहा था, मतलब कितनी टर्म आ रही थी, मैक्सिमम दो टर्म आई हुई थी। तो दो टर्म आई हुई थी तो हमारे पास कितने कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे जिसको हम c1 और c2 मान के चलेंगे। अब देखो, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ y ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस लैम्डा इंटू एक्स लिमिट 0 to 1 xi स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और रहती है y xi d xi। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये y xi d xi। फर्स्ट टर्म में मैंने x बाहर ले लिया और बाकी सब वाले को इंटीग्रेशन में लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो माइनस लैम्डा एक्स स्क्वेयर लिमिट 0 to 1 एक्साई वाई एक्साई इंटू डी एक्साई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैंने क्या मानना था, c1, और इसको मैंने क्या मानना था, c2। ठीक है, दो टर्म है तो हमारे पास कितने कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस हो गए, दो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा एक्स इंटू, इसको क्या मान लिया मैंने, c1, माइनस लैम्डा एक्स स्क्वेयर, इसको मान लिया मैंने c2। ये हमारे पास इक्वेशन वन है और ये हमारे पास है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, वेहर c1 इज इक्वल टू 0 to 1 एक्साई स्क्वेयर वाई एक्साई डी एक्साई। ठीक है, और c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू है 0 to 1 एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मैंने क्या मान लिया, दो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए। अब देखो बच्चों, अब वही करते हैं हम सेकंड इक्वेशन में, राइट हैंड साइड में क्या बनाएंगे हम, राइट हैंड साइड पे बनाएंगे हम c1, ओके। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करनी है, बिकॉज वाई एक्साई ऑलरेडी है, यानी वाई एक्स है ऑलरेडी, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल में है एक्साई में और यहाँ पे क्या है x में। तो मैं 2 को अगर एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूँ, 0 1 से इंटीग्रेट कर दूँ, तो एक इक्वेशन आएगी हमारे पास, तो वो लगते हैं हम। तो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1 ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करनी है और फिर क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू वाई एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, बिकॉज एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस लैम्डा c1 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, अब इसमें है माइनस लैम्डा इंटू c2 और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 4 हो जाएगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब मैंने क्या ले लिया, एक्स क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स क्यूब कॉमन, और इंटीग्रेटिंग करना है हमें फ्रॉम 0 to 1, तो इंटीग्रेटिंग
फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेटिंग 0 to 1 डी एक्स, और यहाँ भी इंटीग्रेटिंग 0 to 1 डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, ये वैल्यू होगी सी वन की। तो इससे वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट सी वन, ये सी वन के बराबर इज इक्वल टू 1 + C1 लैम्डा सी वन बाहर, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब देखो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, ओके, और लिमिट 0 to 1। सिमिलरली लैम्डा सी टू बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की 5/5, ठीक है, और लिमिट 0 to 1। ठीक है, अब देखो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/4, ठीक है, 1 की पावर 4 -0, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1/4। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 1/5, ठीक है, 1/5। अब क्या करते हैं, अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो C1 वाले टर्म को इस तरफ लिखते हैं, बाकी वाले टर्म को इस तरफ लिखते हैं, तो इसको अलग अलग ही कर लेते हैं हम। 1/4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे 4 अलग, ठीक है, माइनस एज इट इज़, ओके। तो अब करेंगे हम, अच्छा ये यहाँ पे प्लस था, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, ओके, तो हम इसको क्या लेते हैं, प्लस। अब देखो बच्चों, अब मैंने अलग अलग कर दिया, अब C1 वाले टर्म को एक तरफ लेके आएंगे, और C2 वाले को टर्म भी एक तरफ, और बाकी सारा एक तरफ, ठीक है, बिकॉज हम आज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में अब की बार 0 वाली टर्म नहीं आएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा C1 माइनस लैम्डा C1/4, ठीक है, ये तो हमारे होगी C1 वाली टर्म, C1 भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा 1 - λ/4 × C1। इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -λ/5 × C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे इनका, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 - λ, ठीक है, 4 - λ/4, ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा इसका 20, ठीक है, तो 20 एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, या फिर हम क्या करते हैं, थ्रू आउट 20 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, ठीक है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -20 × this × 20, और यहाँ पे करेंगे 20, ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ 5, तो ये देखो ये हमारे पास हो जाएगा 20 - 5λ × C1 माइनस, ये कैंसिल यहाँ से, 4λ × C2 इज इक्वल टू 5, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई, ओके। तो अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे C2 बनाना है, ओके, तो यहाँ पे C2 बनाने के लिए सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सिर्फ x से, तो यहाँ पे एज इट इज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1 ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखो मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा C2, ठीक है, C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² और इंटीग्रेटिंग 0 to 1 dx, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे प्लस लैम्डा C1 बाहर आ जाएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो लैम्डा C1 बाहर, और x का इंटीग्रेशन, सॉरी x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और लिमिट 0 to 1 dx, और लास्ट में हमारे पास क्या है, लैम्डा C2 बाहर, और यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x³ और लिमिट 0 to 1 dx, ठीक है। अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा C2 इज इक्वल टू, देखो x² है, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, 1/3। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, लैम्डा C1, तो प्लस लैम्डा C1 x² है, तो x² का x³/3 लिमिट पुट करेंगे, तो 1/3 - 0, दोबारा 1/3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लैम्डा C2, प्लस लैम्डा C2, ओके, यहाँ पे करेंगे तो x की 4/4 और लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 - 0, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1/4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट वाले टर्म C1 और C2 वाले टर्म इस तरफ लेके आएंगे, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो -λ/3 × C1 और यहाँ पे रह जाएगा 1 - λ/4 × C2, बिकॉज इस तरफ यहाँ पे नेगेटिव आएगी, और 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम 12 आ रहा है, तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से, यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से, तो हमारे पास हो जाएगा -4λ × C1, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3, ठीक है, 4 से कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3, और प्लस 3 - 3λ,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर। अच्छा ये सिर्फ इसके पोन में था 4, ठीक है 4 इसके पोन में था, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 4, तो आ जाएगा -12 -3 लेमडा, ठीक है लेमडा बाय 4, 1 − 4 − लेमडा, ठीक है ये आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4, 3 इक्वेशन आ गई 4 इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, ये इन दोनों इक्वेशन से हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको C1 और C2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करना सिखाता हूँ, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आप बुक्स में देखोगे तो वो सीधा ऐसे बोलेंगे कि सॉल्विंग 3 और 4, वही हमारे पास क्रैमर्स रूल है, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 3 और 4 बाय क्रैमर रूल में हम डेल्टा क्या मानते हैं, डेल्टा हम C1 और C2 के कोफिशियंट का डिटरमिनेंट, तो हमारे पास हो जाएगा 20 − 5 लैम्डा, ठीक है, और -4 लैम्डा, और इसके कोफिशियंट C1 का -4 लैम्डा, ठीक है, और यहाँ से 12 − 3 लैम्डा, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को हमने क्या मान लिया, डेल, ठीक है, तो डेल मान लिया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 20 − 5 लैम्डा इंटू 12 − 3 लैम्डा, ठीक है, माइनस 16, ठीक है 16 लैम्डा स्क्वायर। ओके इज दैट क्लियर, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 240, ठीक है, माइनस 60 लैम्डा प्लस 15 लैम्डा स्क्वायर -16 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 240 -120 लैम्डा, और यहाँ पे कितना रह जाएगा -लैम्डा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई लैम्डा की। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, λ1 निकालेंगे, तो λ1 में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट की जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास जो इसके राइट हैंड साइड में है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 है 4 है, तो वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, 4, और यहाँ पे हो जाएगा -4 λ 12 − 3 λ, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को हमने क्या मानना है, δ1, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 60 − 15 λ, और यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा +16 λ, तो हमारे पास हो जाएगा 60 + λ, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, δ1 की। सिमिलरली हमारे पास अगर δ2 निकालेंगे हम, δ2 में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगी 20 − 5 λ −4 λ, अब ये वाला रो यहाँ आएगा, कॉलम यहाँ आएगा, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 80 − 20 λ, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो +20 λ, ये से कैंसिल, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 80, इज दैट क्लियर। अब यहाँ से C1 C2 की वैल्यू को देखो क्या आएगी, C1 की वैल्यू आएगी λ1/λ, और C2 की वैल्यू आएगी λ2, ठीक है, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं हम, C2 की वैल्यू आएगी λ2/λ, तो यहाँ पे λ1 की वैल्यू क्या है, λ1 की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर को मिट वाले को रब कर देता हूँ, तो ये मैं सीधा C1 C2 की वैल्यू लिखता हूँ कितनी आएगी, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करते हैं हमें, तो C1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या था λ1 की वैल्यू कितनी आई है 60 + λ/ वो था हमारे पास 240 −120 λ − λ², ठीक है, और C2 की वैल्यू कितनी आई है λ2 कितना है 80 λ की वैल्यू क्या है ये रही 240 −120 λ − λ², ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसे हम क्रैमर रूल से C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी सीख ली। अब क्या करते हैं, इस C1 और C2 की वैल्यू लेमडा की फॉर्म में आई है, ठीक है, इस C1 और C2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे, ठीक है, और वही हमारे पास क्या होगा, उसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके तो अब देखो अब क्या आएगा हमारे पास, अब पुटिंग दी वैल्यू ऑफ C1 और C2 इन इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वैल्यू आएगी y ऑफ x की, तो वो क्या होगी x
प्लस लैम्डा एक्स, ठीक है, इंटू सी वन, सी वन की वैल्यू है 60 प्लस लैम्डा अपॉन 240 माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, सी वन की वैल्यू पुट कर दी, फिर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू सी टू की वैल्यू क्या है, सी टू की वैल्यू है 80 अपॉन 240 माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। और अगर इसको आप और मॉडिफाई करके टर्म में लिखना चाहो तो आप इसको एलसीएम लेके भी लिख सकते हो। तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम आएगा इसका एक्स इंटू 240 माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 लैम्डा एक्स प्लस एक्स लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू 80, ठीक है, और सारे के पुणे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 240x माइनस 120 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको टर्म को इकट्ठा कर लो तो ये देखो 240x, ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा, एक्स वाले टर्म तो है ही नहीं, तो हमारे पास हो जाएगा 240x, ठीक है, माइनस ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 60 लैम्डा एक्स, ठीक है, प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस 20 है प्लस 20 है, ओके, ये एज इट इज माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस एक्स लैम्डा स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे, तो ये कैंसिल और यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर और 80 को यहाँ पे लिख लो ओपोन 240 माइनस 120 लैम्डा, ठीक है, माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू आ गई 5x। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, ठीक है, इस इक्वेशन वन का ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिया था तो इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू है, कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लैम्डा में, इस इक्वेशन को सोल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है, उन वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला है, ये डिनोमिनेटर टर्म को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो यहां से लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, इक्वल भी आ सकती है अलग भी आ सकती है। अगर ये दोनों वैल्यू यहां पे इन दो लैम्डा की दोनों वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैंने ये बोल दिया 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 120 लैम्डा प्लस 240 इज इक्वल टू जीरो, यहां से मैंने लैम्डा की वैल्यू आ गई लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ठीक है, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन के हमारे पास क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर लैम्डा की वैल्यू ये है और लैम्डा की वैल्यू अगर ये नहीं है लैम्डा 1 कोमा लैम्डा 2 तो हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम इसीलिए करते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा वो तो एग्जाम में भी इसी फॉर्म में ही पूछेगा वो क्वेश्चन, ठीक है, कि इसके फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं आज क्वेश्चन एक आध करवाऊँ भी का जो गेट में या फिर सीएसआई नेट में पूछे गए हैं, ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस, ये हमारे पास देखो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है तो ये हमारे पास पार्ट था, ये इसका होमोजीनियस पार्ट था जो नॉट इक्वल टू जीरो था, यानी ये किसके इक्वल था, हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, ठीक है, तो ये अगर जीरो था तो वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो आपको सोल्व करना है, ओके। टेकिंग मोर एग्जाम्पल और लेते हैं, टेकिंग सम मोर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन लिया है, अगर किसी बच्चे को लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया हो, हालांकि मैंने पूरा ट्राई किया था समझाने के लिए, ये भी हमारे पास दो टर्म के ही है और मैं बेसिकली होमोजीनियस, देखो बच्चों अगर कोई बच्चा बीच में बोले तो मैंने वो सब छोड़ दिया कि होमोजीनियस हो और सिर्फ एक टर्म वाला हो, ठीक है, यहाँ पे एक टर्म वाला हो, वो तुम आसानी से कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आ गए, तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है, तो बच्चों को अगर ये समझ में आ गए तो वो तो इसका सब पार्ट ही है, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ओके। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसके हम सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं,
तो इसमें हमारे पास कर्नल दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं कि सेपरेबल कर्नल है या नहीं है। तो k ऑफ x एक्साई की वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई हमें 1 प्लस e रेज टू पावर x प्लस एक्साई। तो मैं इसको 1 प्लस e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर एक्साई लिख सकता हूँ। ऑफ कोर्स इसको मैं 1 इंटू 1 प्लस e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर एक्साई। ये हमारे पास है a1x b1x प्लस a2x b2x, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, कर्नल आ गया, कौन सा सेपरेबल कर्नल आ गया। एक बार चेक करना जरूर होता है कि क्या वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो कहीं आप क्वेश्चन में लगे रहो और बाद में आपको जाके दिक्कत हो, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कर्नल सेपरेबल है या नहीं। ऑफ कोर्स कर्नल सेपरेबल है, तो हम इसको इस मेथड से करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको वहीं हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू 1, 1 की मल्टीप्लाई इससे, तो वाई एक्साई डी एक्साई। बिकॉज यहाँ पे x वाली टर्म और एक्साई वाली टर्म है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे और कुछ भी कॉमन बाहर नहीं लेंगे। और इसमें हम e रेज टू पावर x बाहर लेंगे बिकॉज ये x वाली टर्म है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 0 टू 1 e रेज टू पावर एक्साई y एक्साई डी एक्साई, ओके। तो ये मैंने सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, y ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको मैंने c1 मान लिया, प्लस e रेज टू पावर x, इसको मैंने क्या मान लिया, c2 मान लिया। यही करते हैं हम, वेहर c1 इज इक्वल टू 0 टू 1 y एक्साई डी एक्साई, और जो c2 है वो हमारे पास हो जाएगा 0 टू 1 e रेज टू पावर एक्साई y एक्साई डी एक्साई, ठीक है। ये मैंने कॉन्स्टेंट मान लिए। अब क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले c1 बनाएंगे, तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जो लास्ट में हम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हम c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमें जनरल सोल्यूशन देगी इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब हमारा काम क्या है, मल्टीप्लाई तो करनी नहीं, बिकॉज हमारे पास जो C1 है सिर्फ इंटीग्रेटिंग करना है, ठीक है। तो सिर्फ क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 0 टू 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 वाई एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 0 टू 1 1 इंटू डी एक्स प्लस c1 इंटीग्रेटिंग 0 टू 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग c2 बाहर 0 टू 1 e रेज टू पावर x dx, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो बच्चों, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू होगी c1 की, इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, और x में लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 दोबारा कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस c1 यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, बिकॉज x इंटीग्रेशन x और 1 माइनस 0 1 प्लस c2 एज इट इज, यहाँ पे e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x एज इट इज, ठीक है, और लिमिट 0 टू 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर 0, और e रेज टू पावर 0 कितना होता है, वो होता है 1, तो ये हमारे पास आ गया e माइनस 1, ठीक है। अब दोनों तरफ ये कैंसल आउट, c1 से c1 कैंसल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस e माइनस 1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो c2 की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 1 अपॉन e माइनस 1। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3, यानी हमारे पास सीधा सीधा c2 की वैल्यू ही आ गई, ठीक है, जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। अब मैंने यहाँ पे c1 बना दिया था, अब क्या बनाऊंगा c2, तो c2 के लिए e रेज टू पावर x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर x एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 1 ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर x y x dx, इंटीग्रेटिंग 0 टू 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 0 टू 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे e रेज टू पावर x से इंटू डी एक्स प्लस c1 बाहर है, और यहाँ भी e रेज टू पावर x प्लस c2 बाहर, यहाँ e रेज टू पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये मैंने कर दी मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई c2 की, तो c2 इज इक्वल टू,
ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स इज इट इज, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई माइनस वन लिमिट पुट करने के बाद प्लस सी वन, यहाँ भी एज इट इज ई माइनस वन, ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद प्लस सी टू, यहाँ पे करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर टू एक्स बाय टू, और इस बाय टू को हम यहाँ पे ले लेते हैं और लिमिट जीरो टू वन, लिमिट पहले टू की जगह वन पुट करेंगे तो ई स्क्वेयर माइनस ई रेज टू पावर जीरो, तो वो कितनी हो जाएगी वन, तो हमारे पास ये बच गया ई स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या है सी टू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सॉरी सी वन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सी टू की वैल्यू तो ऑलरेडी उसने दे रखी है, तो सबसे पहले मैं सी टू की वाली टर्म को इस तरफ लेके आऊँगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो सी टू कॉमन, यहाँ पे रह गया वन माइनस वन बाई टू ई स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे रह गया ए माइनस वन, ठीक है, ये भी कॉमन ही ले लेते हैं हम, ए माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो वन प्लस सी वन इंटू ई माइनस वन, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे पहले तो इसको सोल्व करते हैं साथ में और सी टू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सी टू की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी टू की वैल्यू है माइनस वन अपॉन ई माइनस वन इंटू, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो हमारे पास हो जाएगा टू माइनस टू माइनस ई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या रह गया टू, ओके, और यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू वन प्लस सी वन इंटू ई माइनस वन, ठीक है, ई माइनस वन, ओके, इज दैट क्लियर। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे होगा क्या माइन टू माइनस ई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ई माइनस के, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अच्छा देखो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस फैक्टर को भी इसके नीचे लेके आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ई माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, तो इसको हम एक बार नहीं करते, एक बार एज इट इज लिखते हैं, हम इसको एज इट इज लिखते हैं वन माइनस वन बाई टू इंटू ई स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे पास दिस एक्सप्रेशन। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है C1 की, तो C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो C1 की वैल्यू होगी माइनस वन अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो हमारे पास हो जाएगा e माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, e माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस वन, ये हमारे पास हो जाएगा ई स्क्वेयर माइनस वन अपॉन टू इंटू ई माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस वन एज इट इज आ गया, तो माइनस वन ये हो गया, ओके, तो अब क्या करते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एलसीएम आ गया हमारे पास, तो सी वन की वैल्यू हो गई माइनस टू प्लस ई स्क्वेयर माइनस वन माइनस टू इंटू ई माइनस वन का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो गया हमारे पास, अपॉन में हो गया हमारे पास टू इंटू ई माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, तो सी वन की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, इसको ज़्यादा सोल्व करो, तो ज़्यादा सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, माइनस टू प्लस ई स्क्वेयर माइनस वन माइनस टू इंटू, इसका एक्सप्रेशन खोलेंगे तो ई स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू ई, ठीक है, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ई स्क्वेयर, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस टू, और यहाँ पे प्लस फोर, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टू इंटू ई माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, तो सी वन की वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास माइनस ई स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है, तो ये आ जाएगी माइनस ई स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस माइनस फाइव, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस फोर ई, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा टू इंटू ई माइनस वन का होल स्क्वायर। C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई, दोनों को कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास आ गई C1 की वैल्यू, जिसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फोर मान लिया, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन टू में पुट करते हैं, तो देखो बच्चों, y ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, y ऑफ x इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस सी वन, सी वन की वैल्यू कितनी है ये रही, तो इसको मैं फोर ई माइनस फाइव माइनस ई स्क्वेयर अपॉन टू इंटू ई माइनस वन का होल स्क्वेयर प्लस ई रेस टू पावर एक्स इंटू सी टू की वैल्यू ये रही, सी टू की वैल्यू माइनस वन, तो इसको माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ई माइनस वन, सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा
फाइनल सोल्यूशन आएगा। ओके, तो ऐसे हम ये मैंने इजी क्वेश्चन लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन, ठीक है, तो ऐसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें लैम्डा दिया होता तो हम लैम्डा की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा लगा लो कि लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 1 दी हुई थी, और जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिकली कर रहा है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट यूनिकली, ये बात भी आपको साथ में लिखनी है, ठीक है। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे अगर लैम्डा दिया होता, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू 1 थी, तो लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए इस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इजी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। अब मैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व करवाने जा रहा हूँ जो नेट में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। साइन के, कोस के, उस टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैं आज एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, नेट में कई बार पूछा गया है वही क्वेश्चन रिपीटेडली, ठीक है। तो वो देखो क्या है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना आप, इस क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पे आप कोस एक्स की जगह साइन एक्स की जगह कोस एक्स कुछ भी लेके, जो लिमिट है ना इसमें क्या, हमारे पास 0 to π, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा 0 to π के लिए। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट बनेगा 0 to 2π के लिए, एक क्वेश्चन बनेगा 0 to π/2 के लिए, तो ये 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप 0 to 3π/2 के लिए भी ले सकते हो फॉर प्रैक्टिस। तो इन क्वेश्चन को आपको चारों को क्वेश्चन को साइमेंटेनियसली करना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखना है कि अगर हमारे पास साइन एक्स माइनस एक्स वाई हो, तो यहाँ पे अगर 0 to π हो तो आपके पास क्या सोल्यूशन आता है, और लैम्डा की वैल्यू क्या आती है। फिर आपको ये देखना है कि हमारे पास अगर 0 to π/2 हो तो क्या आता है, और 0 to 2π हो तो क्या आता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 0 to π, जो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम सोल्व करते हैं। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास कर्नल सेपरेबल है या नहीं है। तो बच्चों देखो, इसने इस फॉर्म में दे रखा है, तो मैं क्या इसको y ऑफ x इज इक्वल टू कोस x प्लस लैम्डा 0 to π, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन a माइनस b की, तो साइन x कोस x y माइनस कोस x साइन x y, ठीक है, इंटू y एक्साई d एक्साई। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। अब ये a1x है, ये b1x है, ये a2x है, ये b2x है, तो कर्नल क्या हमारे पास सेपरेबल कर्नल है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं सेपरेबल कर्नल मेथड से, फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन, बिकॉज लिमिट फिक्स है। ओके, तो अब हमारे पास वही टेक्निक होती है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y ऑफ x इज इक्वल टू कोस x प्लस लैम्डा साइन x, x वाले टर्म बाहर, और 0 to π कोस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, इसकी लिमिट अलग, और माइनस लैम्डा कोस एक्स बाहर, और 0 to π साइन एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ये वाली टर्म बाहर। ओके, तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को क्या मानूंगा, c1, और इसको क्या मानूंगा, c2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y ऑफ x इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस लैम्डा इंटू साइन एक्स, इसको मैंने मान लिया c1, माइनस लैम्डा इंटू कोस एक्स, इसको मैंने मान लिया c2, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, वेहर c1 इज इक्वल टू 0 to π कोस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है, और जो c2 की वैल्यू है वो है 0 to π साइन एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, और इसको मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना होता है c1, और कई बार टेक्निक्स क्या होती है, जैसे यहाँ पे कोस एक्स है, ठीक है, तो कई बार सीधा यहाँ पे हम वाई एक्साई की टर्म लिख के या वाई एक्स की टर्म लिख के यहाँ भी पुट कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी सोल्व करते हैं इसको, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। मैं जनरली क्या करता हूँ, इसको कोस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा और उसको इंटीग्रेट करूँगा 0 to π, ठीक है। तो वही मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to π, ठीक है, ऑफ इक्वेशन 2 को हम करते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास है 0 to π
कोस एक्स से मल्टीप्लाई और वाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू पाई, और यहाँ पे हमारे पास कोस एक्स ऑलरेडी है तो कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स प्लस लेमडा इंटू सी वन, और यहाँ पे करेंगे तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स जीरो टू पाई, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस लेमडा इंटू सी टू जीरो टू पाई, कोस एक्स ऑलरेडी था तो हमारे पास हो जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू होगी, सी वन की, तो सी वन की वैल्यू पुट करते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं जीरो टू पाई वन प्लस कोस टू एक्स बाय टू, इसका फॉर्मूला होता है अब इसका इंटीग्रेशन, प्लस लैम्डा सी वन, इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू से डिवाइड करता हूँ, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा साइन टू एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, माइनस लैम्डा सी टू, ये हमारे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर है, तो सिमिलरली जैसे यहाँ किया था जीरो टू पाई, ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है, और इस टू को है मैं आगे लिख लेता हूँ, वन बाई टू को मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, तो ये अपोन वाला कैंसिल खत्म, इसे सिमिलरली यहाँ पे टू वाला फैक्टर है, इसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाया मैंने, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वन इज इक्वल टू वन बाई टू, अब देखो वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स, और फिर टू एक्स का टू वो अपोन में जीरो टू पाई, प्लस लैम्डा इंटू सी वन साइन टू एक्स का माइनस कोस टू एक्स और टू अपोन में और लिमिट जीरो टू पाई। ठीक है, ओके, और यहाँ पे माइनस लैम्डा इंटू सी टू बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा वन का एक्स और इसका प्लस साइन टू एक्स बाई टू और लिमिट जीरो टू पाई। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, अब लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करेंगे तो सी वन इज इक्वल टू वन बाई टू, सबसे पहले पुट करेंगे तो पाई प्लस साइन टू पाई, और साइन टू पाई क्या होता है, जीरो होता है, माइनस जीरो और साइन जीरो जीरो तो वो भी जीरो। ठीक है, ये मैंने क्या कर दी, लिमिट पुट कर दी, प्लस लैम्डा इंटू सी वन यहाँ पे, और माइनस वन बाई टू को आगे ले लेते हैं तो माइनस वन बाई टू को आगे यहाँ पे करेंगे तो कोस टू पाई माइनस कोस जीरो। ठीक है, कोस टू पाई कितना होता है, वन होता है, और कोस जीरो भी क्या होता है, वन होता है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया जीरो। ठीक है, माइनस लैम्डा इंटू सी टू बाई टू यहाँ पे करेंगे तो पहले पाई पाई प्लस साइन टू पाई फिर जीरो, माइनस यहाँ पे करेंगे जीरो जीरो। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जाएगा हमारे पास सी वन इज इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है, ये हमारे पास पाई बाय टू, ये टर्म जीरो हो गई हमारे पास, तो ये बचेगा माइनस लैम्डा सी टू बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास पाई बचेगा तो इसको भी हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इस वाले टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी वन प्लस लैम्डा इंटू सी टू इज इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है, ये टू, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। टू से मल्टीप्लाई भी कर लो ताकि हमारे पास और आसान हो जाइए, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर। ठीक है, इजी है, जस्ट हमें मैनिपुलेशन ही की है और कुछ नहीं किया है। फिर क्या करेंगे, फिर हम करते हैं सी टू बनाएंगे, तो सी टू में हमारे पास है साइन एक्स वाला फैक्टर, तो अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो टू वन ऑफ इक्वेशन टू। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब मैं इस इक्वेशन टू को अगर मैं सी टू से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे पास हो जाएगा जीरो टू वन नहीं जीरो टू पाई। ठीक है, जीरो टू पाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो टू पाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू वाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो जीरो टू पाई। ठीक है, कोस एक्स ऑलरेडी है तो कोस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू सी वन बाहर, यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्केयर एक्स जीरो टू पाई साइन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस लैम्डा सी टू बाहर, और यहाँ पे करेंगे तो कोस एक्स इंटू साइन एक्स, तो जीरो टू पाई कोस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कर दिया मैंने काम। अब देखो बच्चों, यहाँ भी हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगाएंगे, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा साइन 2x का।
ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वेयर एक्स है, उसको मैं आगे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन 2x का। अब देखो बच्चों, साइन स्क्वेयर एक्स है यहाँ पे, तो साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, तो यहाँ भी हम अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू dx। ठीक है, और 2 को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर दो। तो ये इसकी ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू होगी सी टू की, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी टू इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x, तो माइनस कोस 2x बाई 2 और लिमिट 0 टू पाई। ठीक है, ओके, माइनस को भी आप आगे ले सकते हो लिमिट से बाहर, इसका मैंने कर दिया। अब इसका देखो बच्चों, लैम्डा सी 1 बाई 2 प्लस लैम्डा सी 1 बाई 2, यहाँ पे है 1, ठीक है, 1 का हमारे पास क्या होगा, एक्स, 1 का हो गया एक्स, और कोस 2x का साइन 2x बाई 2, तो माइनस साइन 2x बाई 2 और लिमिट 0 टू पाई, इसका भी कर दिया मैंने। लास्ट में रहता है हमारे पास माइनस लैम्डा सी 2 बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे साइन 2x का माइनस कोस 2x बाई 2, तो माइनस यहाँ पे एडजस्ट और कोस 2x बाई 2 और लिमिट 0 टू पाई, ये मैंने कर दिया इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे लिमिट पुट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सी टू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे करेंगे कोस, इस 2 को भी यहाँ ले लेते हैं बाहर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 बाई 4। ठीक है, ओके, माइनस 1 बाई 4, ठीक है, कोस 2 पाई माइनस कोस 0, कोस 2 पाई 1 माइनस 1 0, तो ये हमारे पास कितनी टर्म हो गई, 0, ओके, प्लस ये हमारे पास लैम्डा सी 1 बाई 2, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा पाई, पाई माइनस साइन 2 पाई 0, फिर 0 माइनस 0 0, तो वह हमारे सारी टर्म 0, प्लस लैम्डा इंटू सी 2 बाई 2, यहाँ पे करेंगे तो ये बाहर 4 यहाँ पे आ जाएगा, और कोस 2 पाई माइनस कोस 0, 1 माइनस 1 0, तो ये फैक्टर भी क्या हो गया, 0 हो गया, इज दैट क्लियर। और यहाँ से हमारे पास फिर क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी 2 इज इक्वल टू लैम्डा पाई बाई 2 इंटू सी 1, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5, ये हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हम क्या करेंगे, सी 2 को पहले फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन है 2c1 प्लस लैम्डा पाई, c2c1 की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो 4 को यूज करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में देखो 2c1, 2 इंटू c1 प्लस पाई इंटू लैम्डा, c2 को c1 की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इंटू पाई बाई 2 इंटू c1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई है, ओके, तो c1 यहाँ से क्या लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, तो c1 कॉमन आ गया, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, लैम्डा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, इस 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ से जो c1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2π/λ² × π², ठीक है, और c1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो c2 की वैल्यू आएगी हमारे पास लैम्डा इंटू पाई बाई 2 इंटू 2π प्लस लैम्डा इंटू पाई 2π/λ² π², ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और पाई इंटू पाई पाई स्क्वेयर, तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इंटू पाई स्क्वेयर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई c2 की, ये वैल्यू आ गई c1 की। c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो देन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारा बोर्ड खत्म हो गया तो हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सारे स्टेप तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो बैक करके आप देख लेना कि मैंने कैसे किया है, ओके। तो अब देखो इक्वेशन 2 यह है, ये है हमारे पास, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है कि C1 और C2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो देखो बच्चों,
यहाँ भी cos x, यहाँ भी cos x, तो यहाँ से cos x कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, y of x is equal to 1 minus lambda into c2 cos x plus lambda into sin x into c1, ठीक है। अब करो c2 की वैल्यू पुट, तो y of x is equal to 1 minus lambda, ठीक है। c2 की वैल्यू क्या है, ये रही, तो हमारे पास हो जाएगी lambda into pi square upon 4 plus lambda square pi square, ठीक है, ओके। और into cos x plus lambda into sin x, और c1 की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 2 pi upon 4 plus lambda square pi square, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वाई एक्स की वैल्यू होगी, वो होगी 4 प्लस लेमडा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर माइनस लेमडा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, ठीक है, लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस लेमडा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इंटू कोस एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई लेमडा इंटू साइन एक्स अपॉन 4 प्लस लेमडा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, यहाँ से लेमडा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर कैंसिल ही कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो साथ में 4 प्लस लेमडा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर कॉमन ओ एलसीएम, तो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू कोस एक्स प्लस 2 पाई लेमडा इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास वाई एक्स की, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल सोल्यूशन, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास आएगा फाइनल सोल्यूशन। अब देखो बच्चों, अब बात आती है कि इसका जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है, यानी क्या दिया हुआ हमें 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, ठीक, वो जीरो करके देखो, यानी 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आइटा अपॉन पाई, तो ये किस में आ गई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमें लेना ही नहीं कि हमारा काम किस में चल रहा है, रियल में, ठीक है। तो हमारा काम करना है वो किस में करना है, रियल में काम करना है। तो यानी जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया हमारे पास, वो बेसिकली हर लेमडा की वैल्यू, हर रियल लेमडा की वैल्यू के लिए इसका यूनिक सोल्यूशन करेगा एग्जिस्ट, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर एवरी रियल लेमडा, ठीक है। अगर हमारे पास लेमडा की वैल्यू अगर रियल है तो इसका यूनिकली सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इल्यूस्ट्रेशन के लिए हम मान लो लेमडा हमारे पास 1 हो गया, लेमडा 1 हो गया, तो वाई एक्स की वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 1 के कोरिस्पोंडिंग आएगी, वो आएगी हमारे पास 4 इंटू कोस एक्स, लेमडा की वैल्यू 1 है तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई इंटू साइन एक्स अपॉन, लेमडा की वैल्यू 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो ये देखो बच्चों, लेमडा की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास क्या कर रहा है, एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम देके और ये पूछ ले कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ओके। देखो बच्चों, जो मेन बात है इसमें ऐसा है कि इंटीग्रल इक्वेशन में, जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपको लगा होगा कि थोड़ा लेंथी है, ठीक है। किसी बच्चे ने अगर पूरा देखा है तो थोड़ा सा उसको लगा होगा कि लेंथी है, एग्जाम में आ गया तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। आप अगर इसके लगातार प्रैक्टिस से, जैसे मैंने कल वीडियो में असाइनमेंट दी थी, लगातार अगर आपको इसको सोल्व करोगे तो आपको कई क्वेश्चन तो ऐसे ही दिमाग में याद रहेंगे कि इसका ये सोल्यूशन आएगा ये नहीं आएगा। और अगर इसका वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो इसका 4.75 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, जिसकी हमें 100% गारंटी होती है कि आपका ठीक है या गलत है, ओके। तो इसलिए इन क्वेश्चन को करना ज़रूरी है, मेनली वो इस टाइप के क्वेश्चन इसी में पूछता है इंटीग्रल इक्वेशन के, अगर इतना लेंथी क्वेश्चन है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि इस टाइप के अगर वो क्वेश्चन 4.75 मार्क्स में पार्ट सी में पूछता है, तो जनरली उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रू होता है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन हो गया इसलिए वो आपको सी पार्ट में पूछेगा, ठीक है। लेकिन इसका कई बार ऐसा होता है कि जनरली सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रू होता है, ये मैंने एग्जाम के क्वेश्चन में नोट की है बात, ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये था हमारे पास बच्चों जीरो से पाई के लिए, और मैंने क्या बोला था इसी क्वेश्चन को आपको करना है जीरो से टू पाई के लिए, जीरो से थ्री पाई के लिए, सॉरी जीरो से टू पाई के लिए, जीरो से पाई बाई टू के लिए, ठीक है। और फिर देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या आता है। उसके लिए मैं आपको क्या थोड़ी प्रॉब्लम लिख के देता हूँ, वो आपको सोल्व करनी है, ठीक है। वो देखो क्या है, देखो बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज करने हैं। y of x इज इक्वल टू, मान लो मैंने सबसे पहले वन ले लिया यहाँ पे, एक क्वेश्चन तो यही हो गया आपके लिए, ठीक है, ये सोल्व करना है। वन प्लस लेमडा इंटू जीरो से इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है पाई बाई टू तक, ठीक है। साइन ऑफ x माइनस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, फिर इसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है y ऑफ x इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा इंटू जीरो टू टू पाई साइन ऑफ x माइनस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है। फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा जीरो से पाई, यहाँ पे लेना कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस एक्साई, एक पर ये ले लो साइन ऑफ एक्स प्लस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा जीरो टू पाई बाई टू साइन ऑफ एक्स प्लस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ये क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर क्या कर लेना है, जीरो से टू पाई तक लेना है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा जीरो से टू पाई साइन ऑफ एक्स प्लस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है, ये हो गई। फिर आपको क्या लेना है सेवेंथ में, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा जीरो से पाई, यहाँ पे लेना कोस ऑफ एक्स माइनस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई। फिर आपको लेना है एट्थ में, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा जीरो से पाई बाई टू कोस ऑफ एक्स माइनस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है। फिर नाइन्थ में क्या लेना है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा जीरो से टू पाई, लिमिट चेंज कर रहा हूँ मैं हर एक तीन क्वेश्चन के बाद, कोस ऑफ एक्स माइनस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई। फिर टेंथ में क्या लेना है आपको, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा जीरो से पाई कोस ऑफ एक्स प्लस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई। फिर आपको इलेवंथ में लेना है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा जीरो से पाई बाई टू, ठीक है, कोस ऑफ एक्स प्लस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है। और लास्ट में हमको क्या लेना है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा, ठीक है, जीरो से पाई टू पाई कोस ऑफ एक्स प्लस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 12, ओके। सारे क्वेश्चन को आपको साइमेंटेनियसली इसी सीरीज में सोल्व करने हैं, ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्या लेना है साइन एक्स माइनस एक्साई, फिर उसकी जीरो से पाई बाई टू, जीरो से टू पाई, जीरो से पाई मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी मैं जनरल क्वेश्चन लिखूँ तो आपको इस तरह से, ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास सिंपल क्वेश्चन जो आपको सोल्व करने हैं। इन्हीं क्वेश्चन की मैं अगर जनरलाइजेशन फॉर्म लिखूँ तो वो देखो, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटू जीरो से पाई, ठीक है, साइन ऑफ एक्स माइनस एक्साई एक्स माइनस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो से ए लिख दूँ, ठीक है, जीरो से ए लिख दूँ, तो इसको फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को आपने लेना है सबसे पहले साइन एक्स, ठीक है, और फिर ए को क्या लेना है जीरो से जीरो टू तीन पाई पाई बाई टू और फिर टू पाई। सेकंड में हमने क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स को क्या ले लो कोस एक्स, और ए की वैल्यू सबसे पहले जीरो टू पाई फिर पाई बाई टू फिर टू पाई। सिमिलरली थ्री में आपको क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स लेनी है और ए की वैल्यू सेम ऊपर जो है, ठीक है, इस तरह करना है। नेक्स्ट में आपको क्या लेना है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, ठीक है, इसी के तीन पार्ट आप साइन एक्स प्लस एक्साई, फिर क्या करना है आपको जीरो टू ए साइन ऑफ एक्स प्लस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई। फिर इस क्वेश्चन के लिए भी आपको ये सेम काम करना है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज। फिर आपको क्या लेना है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा जीरो टू ए, ठीक है, कोस ऑफ एक्स माइनस एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, सेम ये तीन पार्ट लेने हैं, यानी ये तीन क्वेश्चन, ये 12
तीन इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, नौ क्वेश्चन और हो गए। और सिमिलरली एक लास्ट वाला पार्ट रहता है, कोस ऑफ वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा जीरो टू ए कोस ऑफ एक्स प्लस एक्साई, ठीक है, वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है, एक ये हो गया। तीन इसके कोरस्पॉन्डिंग लेने हैं, ठीक है, तो तीन नहीं, ये टोटल हो गए 27। इस क्वेश्चन में एक के कोरस्पॉन्डिंग तीन, तो एक दो तीन छः नाइन, तो ये नाइन क्वेश्चन ये। ओके, तो ये हमारे पास हो गए 48 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और इनकी आपको टेबल भी बनानी है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या सोल्यूशन आया, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आया। यानी देखो, जैसे ये अलग पार्ट हो गया, ठीक है, ये इसका अलग पार्ट हो गए, ये तीन इसके अलग पार्ट हो गए, ठीक है, और इसे कोरस्पॉन्डिंग ये अलग पार्ट, ये अलग, और इसे कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आएंगे। बिकॉज सी एस आई नेट के एग्जाम में वो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको एज ए असाइनमेंट ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली ये क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग जाएगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यू आएगी, क्या नहीं, ठीक है। तो ये था सोल्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम आइगन वैल्यू निकालेंगे इनके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकालने सीखेंगे। तो इसलिए आपको इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सभी का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, और लास्ट में ये भी देखना है, जैसे हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैंने दो क्वेश्चन करवाए हैं, तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म आती है उसको जीरो के इक्वल पुट करके वही हमारे पास क्या होगी, उसकी आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास आज नहीं आया था, फोर प्लस लैम्डा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस टू आइटा इंटू पाई ये आई थी, तो ये हमारे पास इमेजिनरी आ गई। मान लो किसी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में ये आता है, ठीक है, 4 माइनस लैम्डा स्क्वेयर, तो लैम्डा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, और यहाँ से लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई स्क्वेयर, और लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 2 अपॉन पाई, तो ये क्या आ जाएगी, उसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। मैं पूरी टेबल बनवाऊंगा आपको लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, आप इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करो। ये क्वेश्चन सोल्व हो गए मतलब आपका आधा इंटीग्रल कवर हो गया, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट प्रॉब्लम आपके लिए ये। ओके, तो आपको सोल्व करना है ये, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग में एक दो सोल्व करवाऊंगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, तो मुझे व्हाट्सअप या कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।